दोस्तों, स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन और रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोगों के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज। और आज का तो एकदम जबरदस्त है, कोरोना के ऊपर है। दोस्तों, न्यूज शुरू करेंगे उससे पहले देख लीजिए, पहला कोरोना से जुड़ा हुआ है पहला, दूसरा न्यूज है सरकारी नौकरी और तीसरा मेरा फेवरेट और आप लोगों का भी शायद मोबाइल फोन एक लेके आया। तो चलते हैं, पहले कोरोना वाला देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो का बटन दबा लीजिए। दोस्तों, कोरोना सरकार आ गया है दोस्तों एक्शन मोड में। और कोरोना कहाँ पे है तो चीन में। दोस्तों, चीन में कोरोना आज से नहीं, चीन में ये उनका जो सेकेंड वेव उनके यहाँ आया नहीं था। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वेव में ऐसा लॉकडाउन किया उनके यहाँ सेकेंड वेव तो आया ही नहीं, तो उनके यहाँ अभी सेकेंड वेव आया हुआ है दोस्तों। और ये सेकेंड वेव अच्छे खासे दिन से आया हुआ है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश से कोरोना चला गया था, मीडिया नहीं दिखा रही थी क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी। और क्योंकि सरकार ने जो नहीं चाहती तो यहाँ मीडिया उसे दिखाती नहीं। तो अब क्यों ये कोरोना का भूत आया है, इसके बारे में ठीक से बताएंगे आपको, ये कोरोना का भूत अब क्यों आया है। खैर, सरकार जो बोल रही है पहले वो बताते हैं आपको। सरकार बता रही है कि चीन में कुछ मौत हो गया है और सरकार को एकाएक डर लग गया है कि अब कोरोना इंडिया में भी फैल जाएगा। तो आनन फानन में अभी सारे मंत्री की बैठक चल रही है, मिशन मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और मनसुख मांडविया जो स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया के, एकदम जोरों शोरों से इन लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इतने लगे क्यों हैं एकाएक, एक आध दिन में ऐसा क्या हो गया कि कोरोना इतना फैलने लगा। बात वो नहीं कि कोरोना फैलने लगा, बात वो है कि राहुल गांधी पूरा देश में घूम घूम के मोदी जी के लिए कोरोना फैला रहे हैं। तो अब राहुल गांधी को रोकना है तो कोरोना फैलाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है जो कि मुझे लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप लोग जरूर बताइएगा। ऐसा आप लोग के अगल बगल कहीं कोरोना फैलते हुए नजर आ रहा है? अब देखिए, ये कोरोना फैल रहा है, ये कौन सा वेरियंट है, BF7 ओमिक्रॉन का ये वेरियंट है, जो कि इंडिया में ओमिक्रॉन पहले आके चली गई है। अब चाइना में क्या है कि वहाँ सेकेंड वेव आया नहीं था, पहले बड़े सबने तारीफ किया कि वहाँ पे सेकेंड वेव आया नहीं, तो क्यों नहीं आया, क्योंकि वहाँ ऐसा लॉकडाउन किया उन्होंने पहले में, उसके बाद वैक्सीनेशन किया फर्स्ट वेव में ही, कि वहाँ पे सख्त गाइडलाइंस कर दिया गया कि वहाँ सेकेंड वेव आया ही नहीं दोस्तों। तो और यहाँ पे भी साइंटिस्ट ने और जो डॉक्टर ने कहा कि यहाँ जो सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आया, उन्होंने क्या किया, एक तरीके से पूरा इंडिया में मास्क वैक्सीनेशन का काम किया उसी ने जो ओमिक्रॉन है, क्योंकि सब में एक तरीके से 80-90% लोगों में कोरोना हो गए और 80% लोग तो अपने आप ठीक हो गए दोस्तों। यहाँ कुछ लोग दवाई से ठीक हुए, कुछ लोग काढ़ा पी के ठीक हो गए, कुछ लोग हॉस्पिटल में गए, कुछ लोग मर भी गए। तो इंडिया का तो एक तरीके से हो गया। अब वहाँ पे आया नहीं था, ये सेकेंड वेव आया वहाँ पे। अमेरिका में भी आप लोगों ने देखा होगा सेकेंड वेव आया, और भी कंट्री में सेकेंड वेव थर्ड वेव आके चला गया, पर चाइना में फर्स्ट वेव के बाद कोई वेव ही नहीं आया। तो ये तो उनका अलग मुद्दा है। अब इंडिया में ये फोर्थ वेव क्यों बताया जा रहा है? तो दोस्तों, ये फोर्थ वेव नहीं, ये राहुल गांधी वेव है जैसा मुझे लगता है। फिर देखिएगा कि 10 दिन में ये कोरोना खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब राहुल गांधी की यात्रा पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है और लगाया जा रहा है धीरे धीरे। मैं कोई राहुल गांधी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं कभी ऐसा सोचा भी, मुझे राहुल गांधी से भी कोई लेना देना नहीं और मोदी जी से भी। तो जहां तक बात है कि ये तो निकल के आ रहा है और भी मीडिया चैनल ये चीजें बोल रही है कि ये तो वही है, और एकाएक ये जो कोरोना आ गया है उससे कुछ लगता भी है, पर आप लोग बताइए क्या है। फिर भी अभी सरकार जो गाइडलाइंस जारी करेगी उसे तो हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, और किया ही है 2019 से। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है। बढ़ते हैं आगे अगला न्यूज पे, कोरोना पे और कोई अपडेट होगा तो जरूर बताएंगे। और वैसे भी अब तो टीवी पे चलना ही है, आपको भी पल पल की जानकारी मिलते ही रहेगी टीवी पे, क्योंकि अभी कोरोना वेव आ गया है। और मैं रवीश कुमार के हिसाब से बोलूँ तो गोदी मीडिया भी लग चुकी होगी उस पर, और लग ही जाएगी, नहीं लगी है तो। चलते हैं अगले न्यूज पे दोस्तों। अगला न्यूज है सरकारी नौकरी। अब दोस्तों, ये बैड न्यूज के बाद आते हैं गुड न्यूज पे। सरकारी नौकरी है और सैलरी आप देख रहे हैं 50,000 से ऊपर तक कमा सकते हैं आप इसमें। अब ये कहाँ पे है, भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा फंडेड। अब ये है टाटा मेमोरियल सेंटर, ये परमाणु
जो ऊर्जा है इस पे काम होता है यहाँ पे दोस्तों, रिसर्च होती है। तो इसमें कितने पदों पर है, कब तक आप इनका, इसका टीएमसी के वेबसाइट पे आप जाइए टाटा मेमोरियल सेंटर, और यहाँ पे नोटिफिकेशन चेक कीजिए। इसमें बताया जा रहा है 360 पदों के लिए है, 10 जनवरी 2023 तक आप आवेदन कर पाएंगे। गूगल पे जाके आप टाटा मेमोरियल सेंटर लिखिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए और करियर पे जाके आप देख पाएंगे दोस्तों। इन पदों के लिए सिलेक्शन की परीक्षा और पदों के मुताबिक स्किल टेस्ट के आधार पर लिया जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप नोटिफिकेशन पढ़ें और वहाँ के उसके बाद जाएं। बाकी वैकेंसी का डिटेल्स आप स्क्रीनशॉट मेरे इससे भी कर सकते हैं और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये इस नौकरी के लिए अगर आप इच्छुक हैं तो ज़रूर इनकी वेबसाइट पर जाके चेकआउट कीजिए। बढ़ते आगे दोस्तों, मेरा एक फेवरेट सेक्शन है दोस्तों मोबाइल फ़ोन, और मैं एक ज़बरदस्त फ़ोन लेके आया हूँ आज दोस्तों, जिसमें कि आप देख सकते हैं 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि बहुत ही बड़ा कैमरा, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। ये है रेडमी नोट 12 प्रो प्लस। तो ये आप देख पाएंगे इसका पूरा स्पेसिफिकेशन और पूरा डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों। फ़ोन का थोड़ा सा झलक इसमें दिख रहा है आपको, ये 3 कैमरा सेटअप है इसमें और 200 मेगापिक्सल का कैमरा बताया जा रहा है। 5G का ये फ़ोन होगा। तो देखते हैं नीचे क्या क्या है, और इसमें 5G जैसे मैंने बताया ही, फ़ोन का नंबर बता चुका हूँ, नोट 12 प्रो प्लस है ये 5G रेडमी का। उसके बाद इसका कीमत भी दोस्तों लीक हो चुका है, तो जैसे कीमत है 28,999 रुपये, 29,000 रुपये है, हो सकता है थोड़ा कम हो या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये अभी लीक हुआ है। और इसमें क्या क्या है वो देखते हैं। रेडमी नोट 12 प्रो प्लस 5G में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों, जो कि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद इसमें और भी बात करें, 6GB और 128GB का स्टोरेज मिलेगा आपको 24,999 वाले में। और फिर एक और वेरिएंट है 8GB 256GB, ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ सकता है, इसमें हो सकता है कि ये 30,000 के करीब जाए दोस्तों आपके लिए। और उसके बाद इसमें 6nm MediaTek का प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ये नया वाला है 1080 5G। ये प्रोसेसर जो है इस पर हाई एंड रेंज का आप गेम खेल सकते हैं दोस्तों। 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि नॉर्मल है, ये चलता आ रहा है बहुत दिन से। 200 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, जो कि इसका हाईलाइटेड फीचर है दोस्तों। और उसके बाद 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, जो कि मुझे लगता है आधे घंटे से पहले आपका फ़ोन चार्ज हो जाने वाला है। तो दोस्तों ये फ़ोन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप अगर लेना चाहते हैं तो इस फ़ोन का वेट कीजिए, जल्दी ये फ़ोन आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, बाकी कोरोना पे सतर्क रहिए अगर सचमुच आया है कोरोना तो, क्योंकि मैं भी नहीं जानता और कोई नहीं जानता कि कोरोना कैसे आया और कब कब आ जाता है ये भूत। जब सरकार को चाहिए होता है तो ये भूत ज़रूर आती है दोस्तों। चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। नमस्कार।